फोन पर सेटिंग होना चाहिए ना, फोन पर पूरा सब सेटिंग है, मेन स्टार्टिंग करना चाहिए आपको, चेक करना चाहिए एक बार हर एक का बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आप सब बहुत पीछे बैठे हैं, थोड़ा आगे आइए, हमसे भयभीत मत होइए, थोड़ा आगे आइए। पदोन्नयन स्लो स्लो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। स्लो स्लो स्टॉप स्लो, गिव मी वेरी स्लो ट्राई टू प्ले जस्ट ए मिनट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सभी बोलिए ताली बजा के
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Hare
Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Govinda, Krishna Govinda. Thank you.
Hargreaves, Meena Devi Dasi Mataji. From Jaipur, by loudly chanting one time, Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna. Thank you very much. Our senior God sister. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी हाथ जोड़े और पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागणा रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये। प्रभु बच्चों को संभालो, कथा सुनने नहीं देंगे, पीछे रखो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। तथापि कीर्तयामि अंग यथा मति यथा श्रुतं कीर्तिं हरिं स्वां सत्कर्तुं गिरं अन्या विदासते। हरे कृष्णा। तो आज इस सत्र के तृतीय दिवस में हम जारी रखेंगे गोपाष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे प्यारे ठाकुर जी कृष्ण बलराम कैसे सज धज के गाय चराने के लिए सबसे पहली बार निकले, उस समय वातावरण कैसा था तथा गोप गोपियों का भावना और उनकी सजावट कैसी थी हमने पिछले दो दिन से सुना। और अभी किसी तरह से वो गोपाष्टमी अर्थात कल के दिन याद रखिए, उस समय बुधवार था, श्रवण नक्षत्र और कार्तिक शुक्ल अष्टमी था, जिस दिन हमारे प्यारे ठाकुर जी सबसे पहली बार वत्स चरण से उत्तीर्ण होके गौचरण करने लगे। तो जब पहली बार वृंदावन को गए तो जैसे हमने कल कहा था कि मान लीजिए आपके घर में ठाकुर जी आते हैं तो आप कैसे भव्य स्वागत करेंगे, सुंदर रंगोली के द्वारा और तरह तरह की सजावट से और गीत कीर्तन से स्तुति वचन से। वैसे ही वृंदावन के वासी अर्थात हिरण पक्षी मोर कोयल मृग
वृक्ष तरु लता ये सब कृष्ण बलराम की स्वागत कर रहे हैं। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में एक उत्सव होता है, कल होगा वो उपाष्टमी में उत्सव होता है, और भी होता है उत्सव, उसमें ठाकुर जी को पालकी में लेके चलते हैं। तो जहां जहां जाते हैं उस सारे भक्त लोग अपने अपने डिपार्टमेंट से, सारे डिपार्टमेंट कृष्ण बलराम घूमते हैं, बीबीटी डिपार्टमेंट, संकीर्तन डिपार्टमेंट, गोविंदा रेस्टोरेंट, आईवाईएफ, सारे डिपार्टमेंट ठाकुर जी घूमते हैं। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में, डेट डिपार्टमेंट, प्रत्येक डिपार्टमेंट के भक्त लोग कंपटीशन में सज धज के अपना स्वागत करते हैं, कौन कितना ऑफरिंग्स दे सकता है। तो इतना सुंदर स्वागत होता है। तो सुखदेव गोस्वामी के नेत्रों से, सुखदेव गोस्वामी के पीछे पीछे रह के हम ठाकुर जी को स्वागत करते हैं। तो यहाँ लिखा है प्रवेश किए, तो हमारे लिए आए, हम लोग यहाँ है ना, तो ठाकुर जी आए। जब आए तो यहाँ कहते हैं तन्मंज घोषाल मृग द्विजाकुलम महन मना प्रक्षपया सरस्वता वाते नजुष्टम सतपत्र गंधिना निरीक्षरंतुं भगवन मनोदधे। वृंदावन का शोभा का वर्णन हो रहा है। किंचित समय के लिए अपने मन को, वैसे तो शरीर में वृंदावन में है, लेकिन अपने मन से भी वृंदावन में प्रवेश कीजिए। वृंदावन कैसे दिखता है, वर्तमान काल में प्रयोग हो रहा है, कैसे दिखता है, भले आज आपको ऐसे दिखना रहा हो भौतिक दृष्टि से, लेकिन आज भी आप ऐसे कई स्थान हैं गोवर्धन के तलहट में, आप परिक्रमा करते हुए जाते समय ऐसा महसूस होता है कि हम सही में वो वृंदावन है जो शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए हम भक्तों का एक बहुत बड़ा सेवा है, ये हमारे भागवत महाविद्यालय की तरफ से एक सेवा शुरू हुआ है जिसका नाम है ब्रज धाम सेवा, जिसमें संतों को खिचड़ी, गायों को चना, बंदरों को चारा और वृक्षारोपण इत्यादि सब हो रहा है, जिससे इस वृंदावन की शोभा को बनाए रखें। हमने एक बार आपको क्या कहा भी था कि टटिया आश्रम में बहुत सुंदर दिखता है वृंदावन की शोभा, रेत बालू कितने सॉफ्ट बालू है और वृक्षों को भी सजा के रखे। तो यहाँ वृंदावन की शोभा कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं उस वन में कहीं कहीं भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, झुंड के झुंड भौरे चारों ओर गुंजन कर रहे थे, और उस इस वृंदावन में बहुत सुंदर सरोवर है। आज भी हम देखते हैं कुसुम सरोवर, और बताइए प्रेम सरोवर, मान सरोवर, चंद्र सरोवर इत्यादि सरोवरों में कमल खिले हुए थे। कमल के सुगंध को लेके वायु बह रही थी और सरोवर इतने शुद्ध थे, सुखदेव गोस्वामी में तुलना करते हैं वो सरोवरों का जल इतना शुद्ध था जैसे भक्तों का मन, भक्तों का मन जैसे शुद्ध होता है, मतलब अपेक्षा की जाती है सरोवरों का जल इतना शुद्ध है कि भक्तों का मन जैसे शुद्ध होता है, भक्त के मन में किसी प्रकार के विकार नहीं होते, जो तथाकथित शारीरिक विकार होते हैं काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि। क्यों ऐसा भक्तों के मन के साथ वृंदावन के सरोवर का तुलना की गई है, क्योंकि भक्तों का मन इतना पवित्र होना चाहिए, इतना शुद्ध होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, आशा की जाती है। ये तभी हो सकता है जब हम चेतो दर्पण मार्जनम भव महदावाग्नि निर्वार्पणम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनं परम विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो हमारे चित्त वैसा शुद्ध हो जाता है जैसे वृंदावन के सरोवरों का जल। तो इस प्रकार से सुंदर शोभायमान हो रहे थे, उनमें खिले हुए कमलों की सुरभि से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन को वन के चारों ओर महक रहे थे। मतलब जो कृष्ण बलराम वो वन में प्रवेश कर रहे हैं, वन की शोभा देखिए, सुखदेव गोस्वामी के श्लोकों के दृष्टि से देखिए, भागवत के श्लोकों से देखिए, उस वन की शोभा कैसा है। और कैसा है कहते हैं, सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसन्नोरुभरेण पादयोः स्पृशसि संविक्ष्य वनस्पतिं मुदा स्मयन्ति बाहाग्रजमादि पुरुषः। प्यारे श्याम सुंदर जी अपने दाऊ भैया बलराम जी को दिखा कर कहते, हे आदि पुरुष, आदि पुरुष जो जिनसे सब कुछ सब आए हैं, जो सब सबके मूल है, हे आदि पुरुष, देखिए कहीं कहीं बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों से भार से इतने लद गए हैं, इतने लद गए कि झुक जाते हैं आपके सामने। वृक्ष फल और फूलों से लदे हुए हैं, इसलिए जब कृष्ण बलराम वन में प्रवेश करते हैं तो वृक्ष सब झुक जाते हैं, उनको अपना फूल और पुष्प फल अर्पण करते हैं। जब भगवान ने देखा कि अपनी डालियों और नूतन कपलों की लालिमा से उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से कुछ मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। तो यहां से श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, लेकिन उससे पूर्व वृंदावन का सुंदर वर्णन, इसमें जब वर्णन हुआ है, हमारे पांच इंद्रिय हैं, कितने हैं, ज्ञानेंद्रिय पांच, एक एक बोलिए, आंख कान नाक जीवा और स्पर्श। वृंदावन पांचों इंद्रियों को तृप्त कर देता है, एक एक सुनेंगे, आंखों के लिए कैसे, कान के लिए, नाक के लिए, जीवा के लिए। और जैसे कृष्ण बलराम प्रवेश किए तो वृंदावन इतना शोभायमान था, उनके पांचों इंद्रियों को तृप्त कर देते हैं। वो वृंदावन वनस्पतियों से भरा था, वानस्पत्य का अर्थ अलग है, वनस्पति का अर्थ अलग है, जिन वृक्षों में फूल और फल भरे हुए हैं उनको कहते हैं वानस्पत्य, और जिनमें हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ बलराम जी को दिखाते हुए कृष्ण कहते हैं कि देखिए हे आदि पुरुष, ये सब वृक्ष आपके सामने झुक रहे हैं, वृंदावन परिपूर्ण मात्रा से शोभायमान हुआ है। अभिप्राय यह है कि बलराम अग्रज है, बड़े भाई है, बलराम जी बड़े भाई है, और फिर वे यहां वर्णन है कि भगवान अपने बड़े भाई को दिखाते हुए हंसते हुए परिहास करते हुए बोल रहे हैं। शब्दों को ध्यान दीजिए, बलराम को ताऊ भैया को कृष्ण कह रहे हैं, देखिए ये वन कितना सुंदर शोभायमान हो रहा है, आपको स्वागत कर रहे हैं, ये वृक्ष आपके चरणों में झुक रहे हैं, तो आपसे हम प्रश्न पूछते हैं किनके चरणों में झुक रहे हैं,
कृष्ण के चरणों में झुक रहे हैं, कृष्ण को, कृष्ण के पांचों इंद्रियों को वृंदावन परितृप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्यारे श्याम सुंदर कहते हैं, हे आदि पुरुष, हे इष्ट, हे इट्य, हे पूज्य, हे मेरे दाऊ भैया, आपके चरणों में झुक रहे हैं, आपको नमन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? बड़े भाई को मान देना। अच्छा, आदि गुरु हैं। अच्छा, आदि गुरु हैं, सही है। और बड़े भाई को मान देते हैं, व्यवहार कुशल है ना, तो भगवान हर मायने में एक्सपर्ट है, तो व्यवहार कुशल भी है, इसलिए बड़े भाई को मान दे रहे हैं। वास्तव में सभी इनको चरणों को झुक रहे थे, इन्हीं को स्वागत कर रहे थे, लेकिन बड़े भाई रहते रहते, बड़े भाई साथ रह रहे हैं, तभी ये कि देखिए मेरे चरणों को कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे कैसे दे, इस तरह से कहना भी एक असमंजस लगता है ना। इसलिए भगवान वास्तव में बहुत सुंदर व्यवहार कुशल है। अगर व्यवहार कुशल देखा जाए तो प्रभु के एक बहुत विशेष रूप है, श्री राम अवतार में बहुत सुंदर दिखाई देते, साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम है, कितना निष्कपट निश्चल भाव है। देखिए, जब सबसे पहली बार भगवान श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाते हैं, तो जनकपुर की शोभा को देख रहे हैं, एक कुटिया में वास करते हैं, आप लोग अपने भाषा में कहिए गेस्ट हाउस, शहर के बाहर, तो वहां वास करते हैं, तो ऐसे जनकपुरी घूमने चले गए दोनों भाई, और सब देख रहे थे, सब बहुत सुंदर वर्णन है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन गुरुजी ने कहा कि पुष्प चयन करने के लिए, तो श्री राम और लक्ष्मण पुष्प चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में गए, तो वहां सबसे पहली बार अपने नित्य प्रिया श्री किशोरी जी, जानकी जी का दर्शन हुआ। तो ये तो साक्षात नित्य संबंध है लक्ष्मी नारायण इस धरती पे, इस भू लोक में जब नरलीला कर रहे हैं तो इनका पहले बार पहला दर्शन होता है, पहला मिलन होता है। लेकिन जिनका जिससे संबंध है प्राय देखा जाता है वो दूसरे को छुपाता है ना। लेकिन भगवान श्री राम इतने निष्कपट हैं, निश्चल हैं। जब गुरुजी पूछे आगे सब, तो बिल्कुल उन्होंने आने से पहले लक्ष्मण जी से कहे, लक्ष्मण ये जो सुंदर किंकिणी की ध्वनि बज रही है और नूपुर की सुंदर ध्वनि, करधन की सुंदर ध्वनि, और जो क्या कहते हैं इसको, कुंडल, इसकी ध्वनि, इसको देख के लगता है कि कोई मूर्तिमान देवी ही प्रकट हो गई और अपना सहज स्वभाव सुंदर निश्चल मन सीता जी के प्रति आकर्षित हो जाता है। तो अपने भाई को भी, भ्राता, छोटे भाई को भी भगवान कहते हैं कि अवश्य ही ये तुम्हारी भाभी बनेगी। भगवान कह रहे हैं, मतलब कोई छुपाव नहीं, कितना सुंदर सरल स्वभाव है देखिए। और फिर जब लौट के आते हैं, उस सब गुरुजी को प्रणाम करके पुष्प चयन करते हैं। अब मन एक बार होता है तो आए हैं ससुराल, तो एक बार देख लेते हैं कैसे ससुराल। तो गुरुजी को कहते हैं कि हे गुरु, हे गुरुदेव, लक्ष्मण जी का बड़ा मन है कि एक बार मिथिला दर्शन करें। लक्ष्मण जी का मन है ना, इनका मन है, आप जरा सोचिए। लेकिन कहने का भाव देखो कैसे, लक्ष्मण जी के बड़ा मन है कि एक बार मिथिला घूम के आए, अगर आपकी आदेश हो तो एक बार हम जाके आते हैं। गुरुजी तो गुरुजी है, अंतर्यामी है, गुरुजी समझ गए कि हमारी प्रभु की इच्छा है,
हाँ हाँ बेटा जरूर जरूर जाओ, लक्ष्मण जी की इच्छा को जरूर पूरा करो। लेकिन एक्चुअली वास्तव में इनकी इच्छा थी कि एक बार मिथिला का भ्रमण करके आए। तो बहुत सीधे हैं प्रभु श्री रामचंद्र, लेकिन हमारे ये जो बांकी बिहारी ना तीन जगह पे टेढ़े हैं, ये देखते एक को है, सोचते दूसरे को, बात करते तीसरे को, पता भी नहीं चलता है किसकी ओर देख रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं, तुम कैसी हो, बात करते तीसरे से, क्योंकि ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म जिनमें सभी रस एक साथ विद्यमान है। शांत दास्य वात्स्य साख्य वात्सल्य पांच मुख्य रस, सात गौण रस, भक्ति रस में पढ़े होंगे, बारह रस, ये सब एक साथ विद्यमान है। इसलिए उनको कहते हैं कि अखिल रसामृत मूर्ति। तो ये ऐसे श्याम सुंदर अपनी ओर वो श्रेय नहीं लेते हैं, इसलिए कहते हैं हे ताऊ भैया देखिए आपके चरणों को प्रणाम कर रहे हैं, आपको स्वागत कर रहे हैं, ये हम सुनेंगे अब कैसे कैसे स्वागत हो रही है। तो अग्रज हैं लेकिन फिर भी बलराम जी के प्रति साक्ष्य भाव है। साक्ष्य भाव होने के नाते थोड़ा परिहास भी कर लेते हैं, कृष्ण छोटे हैं लेकिन बलराम जी के प्रति साक्ष्य भाव है, इसलिए साक्ष्य होने के नाते थोड़ा परिहास भी करते हैं कि यद्यपि इनको सब प्रणाम कर रहे हैं लेकिन परिहास में उनको कह रहे हैं कि आपको प्रणाम कर रहे हैं। आदि पुरुष आप अवतारी हैं, एक दृष्टि से बलराम जी आदि पुरुष हैं, इसको प्रमाणित कीजिए, सारे अवतार उनसे ही आते हैं। और एक दृष्टि से कृष्ण आदि पुरुष है, इसको प्रमाणित करेंगे तो क्या बोलेंगे, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गोविंद भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, तो ये भी बात सत्य है, बलराम भी आदि पुरुष है, ये बात भी सत्य है, सारे अवतार उनसे ही आते हैं। तो पांच इंद्रियों को कैसे, भगवान के पांचों इंद्रियों को वृंदावन कैसे परितृप्त कर रहे हैं, एक एक सुनिए। सबसे पहले कहां से शुरू करें, जी वृंदावन में मोर, कोयल और बोलिए सारस हंस, तोता मैना इत्यादि सुंदर पक्षियां कलरव कर रहे हैं। कैसे कलरव कर रहे हैं, कौन मोर का आवाज निकालेगा, ऐसे करते हैं वृंदावन में। आप यहां से सुन सकते हैं, हमारे यहाँ पास में गिरिराज में मोर, तो मोर और सारे पक्षियों के शब्द से भगवान के एक इंद्रिय कानों को तृप्त हो रहे हैं। उसके बाद जो सरोवर में सुंदर कमल खिले हैं, वो कमल और उस कमल के कमल को और जल को स्पर्श करके जो वायु बहती है, उस वायु से जो शीतल हवा, कहते हैं ना वायु का गुण क्या है, सुनिए, मंद सुगंध शीतल, ऐसे वायु अगर बहती हो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी खराटे ले ले, सोचा है। तो यहां शीतलता से तो इंद्रियों को भगवान के स्पर्श इंद्रियों को, मतलब नेचुरल एयर कंडीशनिंग, वृंदावन का जो माहौल है नेचुरल एयर कंडीशनिंग। इसलिए कभी कभी जो भी कोई व्यक्ति वृंदावन आते हैं तो पसंद करते हैं या तो कार्तिक में आए नहीं तो फाल्गुन में, मौसम बहुत अच्छा रहता है, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, है ना, या तो कार्तिक में मतलब दामोदर मास में, नहीं तो होली, होली के समय बहुत अच्छा रहता है। वैसे ये बारह महीने हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, नहीं तो हमारे गुरु महाराज बारह महीने यही रहते हैं, कहीं पुणे भी नहीं जाते कहीं भी नहीं जाते हैं। उनको मतलब ऐसे ऐसे संत हैं यहाँ प्रसाणे की पूज्य श्री रमेश बाबा जी हो गए, ऐसे अनेक संत हैं
तो यही वास करते हैं। प्रसंग आ गया था, एक बात आपको स्मरण करा रहे थे। एक बार मैं और एक दो तीन भक्त पूज्य गुरुदेव के पास गए केशव कुंज में, और गर्मी का मौसम था, बहुत तप्त गर्म, आप जानते हैं मई जून में कैसा गर्मी होता है, पूछिए मीना माता जी, वो हर महीने आते हैं, खूब गर्मी होती। तो उनका शरीर अस्वस्थ है, हमने जाके हम कुछ भक्तों ने सोचा जाके महाराज से विनती करते हैं, और गए और कहे कि महाराज श्री एक विनती है, अभी मौसम बहुत ही तप्त है, गर्मी है, और वैसे तो आप एयर कंडीशनिंग यूज नहीं करते हैं, तो क्यों ना कुछ दिन के लिए ऐसे मसूरी नैनीताल उत्तराखंड की ओर चले जाए, हरिद्वार ऋषिकेश। तो कुछ बोले नहीं, फिर एक कुछ क्षण के लिए मौन रह के उसके बाद बोले, कृष्ण बलराम भी तो यही है ना। अब हम पूरी तरह से निरुत्तर हो गए, कह रहे कृष्ण बलराम भी तो यही है ना, राधा श्याम सुंदर भी यही है, वो तो कहीं नहीं जा रहे, मसूरी नैनीताल कुल्लू मनाली। तो कैसा भाव है देखिए, ये इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन वन्स परसेप्शन। हम उस स्तर में है नहीं इसलिए हमें कष्ट होता है, नहीं तो यहां ऐसे ऐसे संत हैं जो गिरिराज छोड़ के जाते नहीं। क्या कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे, एक ही जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहियो न जाए। गोवर्धन छोड़ के जाते ही नहीं, गिरिराज के शरण में रहते हैं। तो यहां यही पांचों इंद्रियों को, सबसे पहले कि जो सुंदर पक्षियों की कलरव भगवान के कानों को सुमधुर करती है, और सुंदर हवा जो बहती है शीतल हवा भगवान के त्वक इंद्रियों को, और जो मानसी गंगा कुसुम सरोवर यमुना इत्यादि नदी सरोवर के जल जो पीते हैं भगवान श्याम सुंदर को, उनके रसना, ये रसना कहते हैं ना, रसना इंद्रिय को तृप्त कर देते हैं, और कमल के गंध उनके नासिका को तृप्त कर देते हैं, और कमल का सौंदर्य उनके दृष्टि, उनके प्रभु के दृष्टि को तृप्त कर देते हैं। तो इसे आपने क्या समझा, वृंदावन भगवान के पांचों इंद्रियों को तृप्त कर देते हैं, ऐसा वृंदावन का शोभा है। इसके बारे में एक पुराणिक श्लोक याद आ रहा है, इसलिए मैं स्मरण दिला देता हूं, वृंदावनम इदम मन्ये भालम एव धरास्त्रिय, सौभाग्य देवी श्री कृष्ण तिलक यत्र राजते। वृंदावन कैसा है, एक इस धरती को एक स्त्री के साथ तुलना की गई है, इस धरती माता, वास्तव में धरती माता भगवान की पत्नी है, श्री देवी कहते हैं भूदेवी श्री देवी, हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे इनके समान गौरांगी इसके जैसे छोटे छोटे थे, हम लोगों को स्कूल के सरस्वती विद्या मंदिर में ऐसे पढ़ते थे, तो हमें पढ़ाया जाता था कि उठते ही हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी गोविंदम प्रभाते, विपरीत हो गया है ना आजकल, कराग्रे वसते मोबाइल, कर मध्य व्हाट्सएपम, करमुले तो फेसबुकम, प्रभाते मोबाइल दर्शन, ऐसे हो गया है, उठते ही पहले मोबाइल हाथ में आ जाता है, नहीं तो श्लोक तो कुछ और है। और भी कहते हैं जब हम सैया से उठते हैं पहले धरती को प्रणाम करते हैं, क्या कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्वमि। तो विष्णु पत्नी है धरती माँ, इसलिए यहां कहते हैं कि धरती को एक स्त्री के साथ तुलना की जाती है, पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री के ललाट में क्या रहता है, सिंदूर रहता है ना, या तिलक सिंदूर रहता है। तो श्लोक कहता है कि वृंदावनम इदम मन्ये भालम एव धरास्त्रिय,
अगर इस धरती को स्त्री के साथ तुलना की जाती है, उस स्त्री के भाल अर्थात ललाट में जो सौभाग्य की रेखा, ललाट वृंदावन है। धरती स्त्री है, उस स्त्री के ललाट क्या है? वृंदावन। उस वृंदावन में, उस ललाट में जो सौभाग्य की रेखा, जो कुमकुम में जो सिंदूर है, वो है श्री कृष्ण। क्या सुंदर वर्णन, देखो ये है वृंदावन धाम कि जहां नित्य निवास करते हैं। वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति, जहां से जाते ही नहीं। तो ये इस ऐसे वृंदावन में प्रवेश किए। जब प्रवेश करने के बाद फिर भरत साइलेंस में। अब भगवान बलराम जी को दिखा के कह रहे हैं, सुनिए श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 15वां अध्याय 5 नंबर श्लोक, कितना सुंदर श्लोक है। बलराम जी की ओर दिखा के कह रहे हैं, अहो अमी देव बराम रचितम पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनः तमोपहत्ये तरुजन्मयकृतम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देव शिरोमणि, हे देव, हे बलराम, देव शिरोमणि, देवों के देव हैं आप। अहो, आश्चर्य होकर कहते, देखिए वृंदावन कैसे, ये तो ब्रह्मादि के ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण आदि देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। ये कौन कह रहे हैं, ध्यान रखिए, कृष्ण कह रहे हैं। किसको, वास्तव में किसके चरणों की पूजा करते हैं? कृष्ण की, लेकिन बलराम जी को दिखा के कह रहे हैं, है ना। ऐसे कहने का शैली है। हम एक उदाहरण देते हैं। एक हमारे अच्छे कथा व्यास हैं, प्रवक्ता हैं, आपने सुना होगा नाम, श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी। एक बार हम उनके साथ थे पुणे में, तो किसी के घर में प्रसाद के लिए गए थे। गर्मी का दिन था, गर्मी में आम रस मिलता है, आम रस सबको अच्छा लगता है। कुछ लोग तो राम रस में, नाम रस में मग्न है, कुछ नहीं तो आम रस सही। तो प्रभु जी की कटोरी खाली हो गई और जो यजमान थे वो यहाँ थोड़ा ध्यान नहीं दिए, और पास में उनकी बेटी, जिनके बेटी थे वो बैठे थे। तो प्रभु जी, इनकी, आपकी बेटी को आम रस चाहिए, थोड़ा लाइए। तो एक्चुअली खुद को चाहिए था। तो ये कहने का शैली है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की ओर दिखाकर कहते हैं कि आपकी चरण कमलों की पूजा करते हैं। परंतु देखिए ना, ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प फलों की सामग्री को लेकर आपके चरण कमलों में झुककर नमस्कार कर रहे हैं। तो वृंदावन के वृक्ष भरे हैं सुंदर फूलों से, फलों से लदे हुए हैं। और वो जब जैसे कृष्ण बलराम वन में प्रवेश करते हैं, अपने आप झुक जाते हैं, जैसे मानो स्वागत कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, उनकी वाक्य को सत्य कर रहे हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति। गीता में भगवान कहते हैं ना, एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे तो यहां आश्चर्य होकर कह रहे हैं, अहो, ये देखिए वृंदावन कैसे आश्चर्य प्रकट करके कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, मानो ये सिरों से पूजन वस्तुओं को आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हम कुछ वस्तु, कीमती वस्तु सिर पे लेके जाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे पूजा सामग्री। वैसे ही वृक्ष जो है अपने सिर के ऊपर पुष्प फूल इत्यादि सुंदर वस्तुएं आपके चरणों में अर्पित कर, कैसे चरण कहते हैं, आपके चरण कैसे हैं? ब्रह्म शिव रुद्र चंद्र आदि देवता गण जिन चरणों की पूजा करते हैं, ऐसे चरणों को वृंदावन के वृक्ष अपने पुष्प और फूलों से अर्पण कर रहे हैं।
और यदि कोई कहे, शंका करे कि इन वृक्षों को कैसे ज्ञान हुआ कि आप भगवान हैं, यहां तो आदमी को भी नहीं होता है सिक्सेशन कोर्स देने के बाद, इन वृक्षों को कैसे ज्ञान हुआ कि आप आदि पुरुष हैं, आप भगवान हैं और आपको अर्पण कर रहे हैं। तो उत्तर कहते हैं तमोपहत्य, अर्थात ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये स्वरूप, ये सब मुक्त आत्माएं हैं। इसलिए तो कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को जाने कोई जहां डाल डाल, राधे राधे। तो वृंदावन के वृक्ष कोई साधारण नहीं है, इनको ज्ञान है कि आप आदि पुरुष हैं, आप भगवान हैं, इसलिए आपके चरणों में ये सब समर्पण कर रहे हैं। तमोपहत्य का और अर्थ बताते हैं कि और स्थान में जो पेड़ पौधे हैं पूरे संसार में, अच्छा ये बताइए नवामृत रूप कोई वृक्ष जन्म क्यों लेता है? कहते हैं जो तमोगुणी प्राणी है, तमोगुणी जीव है, उनको ये दंड दिया जाता है, हाँ, कि एक बस खड़े रहे वर्षों तक। लेकिन वृंदावन के वृक्षों के लिए सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहां कहते हैं तमोपहत्य कि वृंदावन के संबंधी वृक्ष वृक्षों के बीच जन्म स्वीकार किया, अथवा वृंदावन के वृक्ष ये मान रहे आहा ये पशु पक्षी ये सचर है, ये कृष्ण बलराम के साथ चल सकते हैं, लेकिन हम कितने हतभागा हैं, देखिए हम तो बस एक ही जगह में खड़े हैं, हम तो चल भी नहीं पा रहे, हम चल नहीं सकते है, इसलिए हे प्रभु यहीं से आपको नमन करते हैं, इसलिए झुक जाते हैं। ये दैन्यता है वृंदावन के वृक्षों के। तमोपहत्य, अपने तम को, अपने अज्ञान को, अपने तमोगुण को दूर करने के लिए वृंदावन के जो वृक्ष, ऐसा वृक्ष योनि धारण किए, एक सुंदर मुसलमान कवि हुए हैं इस ब्रज प्रांत में, जिनका नाम है रसखान। वो एक प्रार्थना में कहते हैं अगर पत्थर बनाना हो तो गिरिराज में शिला बना दो, अगर पेड़ पौधा कुछ बनाना हो इसी ब्रज वृंदावन में वृक्ष योनि दे। किसी जीव जंतु का शरीर अगर हमें मिले भाग्य से, दैव से, इसी ब्रज वृंदावन में भले कीड़े हो जाए लेकिन इसके बाहर राजा बन के भी इच्छा नहीं है, रानी बन के भी इच्छा नहीं है, इस ब्रज में ऐसे नीच योनि भी मिल जाए। जानते हैं ना यहाँ के नीच योनि कुत्ते बानर भी औरों से बहुत प्रसिद्ध है, औरों से बहुत महान है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम पशु पक्षी की तरह आपके साथ विचरण नहीं कर सकते, इसलिए हम यहीं से आपको प्रणाम कर रहे हैं। जीव गोस्वामी एक सुंदर व्याख्या देते हैं कौन है ये वृक्ष, वृंदावन के वृक्ष कौन है। कहते हैं दो प्रकार के जीव है, ध्यान से सुने सिद्धांत की बात, एक है नित्य सिद्ध और एक है साधन सिद्ध। इस वृंदावन में जो वृक्ष शरीर का धारण किए हैं कुछ ऐसे जीव हैं जो नित्य सिद्ध है, कल्प वृक्ष है, वृंदावन के हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। विश्वास है तो एक बार जाके झुकिए और प्रणाम कीजिए, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे, इतना विश्वास होना चाहिए। कल्प वृक्ष है, नित्य सिद्ध है, तो वो तो हमेशा भगवत सेवा में ही रहते हैं, और अपने कोई बड़े बड़े संत मुनि योगी हैं जानबूझ के जिन्होंने वृक्ष शरीर धारण किए हैं कि हम ठाकुर जी को अपने सर्वस्व देके सेवा में समर्पण कर सकते हैं। एक मानो एक तरह से समस्त मनुष्य जाति, समस्त प्राणियों को एक शिक्षा दे रहे हैं, सीखो हमसे, हमारे पत्ते भगवान की सेवा में, हमारे फूल भगवान की सेवा में, हमारे फल भगवान की सेवा में, हमारे सर्वस्व ठाकुर जी की सेवा में। महाप्रभु श्री चैतन्य कहते हैं तृणादपि सुनी चेन तरोरी वो सही सुना, भक्तों को कैसा होना चाहिए तुलना करने के लिए और कोई नहीं मिला, वृक्षों के साथ तुलना किए हैं। घास का तिनका देखे रास्ते में,
सैकड़ों हजारों लोग चल के चले जाते हैं, चढ़ के चले जाते हैं, एक बार भी नहीं कहा हे मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे, दिखाई नहीं दे रहे, अंधे हो गए क्या? इस तरह से कभी, अब आप कहेंगे तिनका थोड़ी बोलता है, लेकिन थोड़ा मनुष्य की बात आपको बोल देता हूं। मनुष्य भी कई प्रकार के होते हैं। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, किसी जगह पे पानी थोड़ा सा गिरा था, अब उनकी बोली से आप समझ सकते हैं किस प्रकार के मनुष्य हैं। आते समय कहीं पैर फिसल गया पानी में, कहीं फिसल जाता है ना कभी कभी अनजान पैर फिसल गया, तो कैसे बोलते हैं साला कौन पानी गिरा दिया, अंधा कहीं गया, ऐसे भी बोलते हैं। और कोई ऐसा है जो मान लो फिसल गया, राम 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 कृष्ण कृष्ण, बाल बाल बच गए, हे नृसिंहदेव, ऐसे भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, मनुष्यों में भी कई प्रकार के होते हैं। तो वाणी से आप बता सकते हैं कि किस प्रकार का मनुष्य, जिसके वचन से ही गालिश निकलता हो वो कैसे हो। तो यहां इसलिए कह रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध जीव है, वो वृंदावन में वृक्ष शरीर जिनको मिला है, वो हमेशा अपना सर्वस्व प्रदान करके भगवान की सेवा करते हैं। और जो साधन सिद्ध है, साधन सिद्ध जीव, साधन सिद्ध जो मान लीजिए वृक्ष योनि में है, वृक्ष योनि में शरीर धारण किए हैं, कहां ब्रज में, तो उनके मन में यह आता है, तमोपहत्य का अर्थ है कि तम को दूर करने के लिए, अर्थात उनके मन में ग्लानि होती है कि हम ये नित्य सिद्ध जीव जीवों की तरह हम पूर्णतया सेवा में नहीं लग पा रहे। या कहते हैं साधन सिद्धों के विषय में कहा गया है कि वे अपने तम को, अर्थात अपनी अप्राप्ति रूप दुख को नाश करने के लिए प्रणाम करते हैं। अर्थात मैं अभी भी इस वृक्ष योनि में हूं और अभी भी मैंने श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं किया है, कब ये वृक्ष योनि से मुक्त होऊंगा ताकि मैं श्री कृष्ण को चलते फिरते उनके संग में सेवा कर पाऊं। ये दैन्यता है वास्तव में वृक्षों की। इसलिए कभी भी हमें साधारण नहीं समझना चाहिए। ये सब ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े महामुनि हैं, योगी हैं, यही बात यहां कह रहे हैं। मैंने कहा ना ऐसे ऐसे स्थान हैं, जैसे आप प्राय वृंदावन परिक्रमा में देखते हैं तटीय आश्रम, या इस गिरिराज के परिक्रमा में ऐसे ऐसे वृक्ष हैं, इस तरह से झुके हुए हैं, या निधि वन में देखिए कि ऐसा लगता है कि कोई मुनि है जिसके बड़े बड़े दाढ़ी है, दिखने से पता चलता है कि ये कोई जरूर मुनि है, वास्तव में ये। तो ये वृक्ष सब आपको झुक के प्रणाम कर रहे हैं और आपको सब सर्वस्व अर्पण कर रहे हैं, करके क्या शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे ही हर एक व्यक्ति के मन में ये भाव होना चाहिए। अब जो भी हमारे पास है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। तो सभी चीज भगवान को समर्पण कर देते हैं। इसी को ही हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देहागेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर। वृक्ष के समान प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए कि अपने पास जो भी है भगवान के चरणों में समर्पण करे, भक्तों के चरण में, ताकि वो सेवा में लगे। कहते ना ये सेवा में हम समर्पण करते हैं, जैसे वृक्ष कर रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक भाव देते हैं, देखिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो कहते हैं ब्रह्मादि के ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म विमोहन लीला में इस चौमुहा में, चौमुहा जगह है ना जहां ब्रह्मा जी शरण गए थे, तो ब्रह्मा जी अपने इस लीला ब्रह्म विमोहन लीला में ठाकुर जी को देख प्रणाम करके कह रहे हैं कि अगर कुछ जन्म मिले तो मुझे ब्रह्मा जन्म नहीं चाहिए,
इस वृंदावन में कोई वृक्ष लता बन जाओ। और हम लोग यहाँ गोपी भाव की बात कह रहे हैं, जरा सोचिए, ब्रह्मा जी यहाँ वृंदावन में गुल्म लता की तरस रहे हैं कि हम यहाँ बन जाए। आशा महो चरण रेणु वृंदावने किमपि गुल्म लताओ सिधिना। उद्धव कुंड देखे, उद्धव कुंड कुसुम सरोवर के पास, उद्धव जी कुसुम सरोवर में किस रूप में है? गुल्म लता के रूप में। बड़े बड़े वृक्ष क्यों नहीं है, गुल्म लता ही क्यों है? जब ब्रज गोपियां चल के जाते हैं उनके चरण रज वृक्षों के ऊपर नहीं जाएंगे, लता के ऊपर गिरेंगे। छोटे छोटे पौधे, अगर मैं लता बन जाऊं इस ब्रजवासियों का चरण रज हमारे सिर के ऊपर पड़े, यही चाहते हैं। कौन चाहते हैं? प्रकांड ज्ञानी बृहस्पति शिष्य, हेवनली रिटर्न, अमेरिकन रिटर्न नहीं, हेवनली रिटर्न उद्धव जी चाहते हैं। ब्रह्मा उद्धव इत्यादि महान लोग ब्रज में वृक्ष बनने की कामना करते हैं। ये है वृंदावन के वृक्ष तरुलता का सौभाग्य। तो और वृक्षों के साथ साथ ये कह रहे हैं कि इसके बाद कह रहे हैं कि एते एते कह के भगवान मानो उंगलियों में दिखा रहे हैं, एते उंगलियों से भौरों की ओर दिखा रहे हैं। वृक्ष का हो गया, अभी भौरों का गुंजन भ्रमर ऐसे भ्रमर गुंजन करते हैं। तो भ्रमर गुंजन जो कर रहे हैं तो भ्रमर के भौरों की ओर दिखा के कह रहे हैं, देखो 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 दाऊ भैया, ये भौरे गुंजन कर रहे हैं मानो आपकी गीत गा रहे हैं। भौरों का गुंजन, वृंदावन के भ्रमरों का गुंजन, श्याम सुंदर को आपकी गुणगान कर रहे हैं। ये बड़े बड़े मुनि हैं, आचार्य गण टीका में कहते हैं नारद कुमार आदि मुनि हैं जो भौरे बन के वृंदावन में आपकी लीलाओं का गुंजन कर रहे हैं। और वास्तव में जो भगवान की लीला का गान करता है, कीर्तन करते हैं, नाम संकीर्तन या कथा कीर्तन करते हैं, वो कहते हैं वो वृंदावन के भ्रमर के समान है जो एक गुरु तुल्य है। ये भौरे आपके भक्ति महात्म्य को गायक गली गली में गुंजन कर रहे हैं। इसलिए आपके ब्रज विभूति चंद्र सरोवर में स्थित संत सूरदास जी कहते हैं, जीवा धन्य है जब हम जिस जीवा के द्वारा क्या करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। ये हाथ धन्य है जब हम हाथों से पायल बनाते हैं, माला बनाते हैं और मंदिर मार्जन करते हैं। ये आंखें धन्य है जिससे हम ठाकुर जी के सुंदर रूप को दर्शन करते हैं। पद में कहते हैं राहुल जी, सोई रसना जो हरि गुण गावे, 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 नैनन की छवि यही चतुरता, नैनन की छवि यही चतुरता, जो मुकुंद मकरंद ही धावे, जो मुकुंद मकरंद ही धावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे, सोई रसना जो हरि गुण गावे। कहते हैं करत ही इस कर हाथ धन्य है जो आपकी सेवा में लगते हैं, चरण धन्य है जो वृंदावन चले जाते हैं। रोकते हुए भी नोरे नहीं रोक पाते हैं, वृंदावन की ओर ही चले जाते हैं। देखिए वृंदावन कितने दूर दूर से सब, कोई मुंबई से, पुणे से, आगरा से, प्रभु जी माता जी जयपुर से आए हैं, वृंदावन चले जाते हैं। कर तो ही जो
क्या करते हैं शास्त्र श्रवण की यही अधिकारी सुनी हरि कथा सुधा रस पावे सोई रस ना जो हरि गुण गावे सोई रस ना जो हरि गुण गा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sabhi boliye Hare Taali baja ke Krishna Krishna जितने भी वृंदावन के भ्रमर हैं सब यही है कि जिनके जो गुंजन करते हैं हमेशा और आपकी लीला कथाओं को गली गली में शहर शहर में गांव गांव में हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की तरह देश विदेश में प्रचार करते हैं जो कृष्ण कथा का इस नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वृंदावन के भ्रमर के समान वो पूज्य है इत्य है। देखिए कितना सुंदर आपके गुणगान करते हैं और रसिक आचार्य शिरोमणि श्री चक्रवर्ती पाद तो यहां तक कहते हैं ये भौरे कितने सौभाग्यशाली हैं जहां आप अपने प्रिय गोपियों के साथ निकुंज लीला करते हैं वहां भी चले जाते हैं कि भौरों को तो कोई फर्स्ट गेट फर्स्ट टैग कहते हैं एंट्री गेट पास की जरूरत नहीं ना भ्रमर कहीं भी जा सकते हैं तो हमारे प्यारे ठाकुर जी जहां गोपियों के साथ निकुंज लीला करते हैं थोड़ा गाय चराने से फुर्सत पाके जैसे ही निकले और किशोरी जी के साथ प्रिया जी के साथ अपने गोपियों के साथ जब सेवा लीला होती है भौरे वहां भी पहुंच जाते हैं तो कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी को कि हे ताऊ भैया जरा देखिए ये कितने चतुर हैं आपके संभालिए इनको आपके गुप्त लीला में भी ये पहुंच जाते हैं प्रवेश करते हैं और फिर भी आप क्षमा कर देते हैं कॉन्फिडेंशियल पास टाइम में सबको अलाउ नहीं है लेकिन वृंदावन के भ्रमर कहीं भी प्रवेश कर जाते हैं और ठाकुर जी बिल्कुल कुछ मानते ही नहीं कुछ उनके मन में कुछ है ही नहीं तो इस प्रकार से ये कह रहे आप अनग हैं हे दाऊ भैया आप अनग हैं आप भक्तों की त्रुटि गलती को तो देखते ही नहीं कुछ गलती हो जाती है अरे गलती किससे नहीं होती अगर भगवान एक एक गलती को देखने लगेंगे तो फिर तो हम तो कभी भी तर नहीं पाएंगे इसीलिए भक्त अपने हृदय की वेदना प्रकाशित करते हैं कि हम पतित हैं और आप पतित पावन हैं गौरंग करुणा कर दीन ही न जाने मौसम समापतिता प्रभु
महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं कि आप पतित पावन है, पतित पावन है तू तब कृपा अवलोकन करो, हमारे ऊपर दृष्टि डालिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, जब भी हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, विशेष करके इस्कॉन मंदिर में, सबसे पहले गौर निताई को दर्शन करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए, नित्यानंदम नमस्तुभ्यम। कैसा है? भूल गया, नित्यानंदम नमस्तुभ्यम कलौ कल्मष नाशाय जन्मापतये पता ही न। तो नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए और गौरांग महाप्रभु प्रार्थना करें, उनकी कृपा से ही हम ब्रज भूमि वृंदावन में श्री राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, ये हमें अपने सॉफ्टवेयर में, हमें अपने सॉफ्टवेयर में बिल्कुल फीड कर देना चाहिए। जब तक ये पति का भावना हृदय से नहीं आता हो तो कृपा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हमें अगर ये मान के चलते हैं, हमसे बढ़कर कौन है, क्या समझ रहे हो आपने? ये भावनाएं तो मुश्किल है। इसलिए यहाँ वृंदावन के वृक्षों के साथ तुलना की, कैसे झुक जाते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। ये भौरे कौन है? नारद कुमार आदि कोई ब्रह्मपुत्र है जो भौरे के रूप में गुंजन कर रहे हैं चारों ओर। हे पूज्य, कहते हैं हे इड्य, हे बलराम, हे दाऊ, हे पूज्य, जरा सुनिए, देखिए, ये जितने भी सब पक्षी हैं, विशेष करके मयूर, कोई कोयल और ये हरिणी, हरिणी, ये मयूर कोयल हरिणी आदि वनवासी आपको इस तरह से निहार रहे हैं प्रेम भरी दृष्टि से, जैसे गोपियां आपको देख रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं बलराम को, शब्दों को ध्यान दीजिए, ये मोर मोरनी मयूर कोकिल और हिरन आपको इसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं जैसे गोपियां आपकी वो आपको प्रेम दृष्टि से देखते हैं। एक सुंदर भाव है यहां, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्या कि भगवान बलराम जी को कह रहे हैं, श्री कृष्ण बलराम को कह रहे हैं कि मयूर कोकिल गोप और हिरनिया आपकी ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे गोपियां प्रेम भरी दृष्टि से आपको देखते हैं। तो ये किसके लिए उपयुक्त है? श्री कृष्ण के लिए, स्वयं के लिए, लेकिन अपने बारे में तो ज्यादा नहीं कह सकते ना, बड़े भाई जो है ना, इसलिए उनको कह रहे हैं कि आपको देख रहे हैं। इसमें दो अर्थ है, एक अर्थ तो ये कि अपने बारे में कह रहे हैं, जैसे अपने प्रियाएं ठाकुर जी को, कल हमने सुना ना पूर्व राग, कैसे श्री जी पर्दे के पीछे से अपनी तिरछी नजर से श्याम सुंदर को देख रहे हैं और श्याम सुंदर जाते 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 अचानक रुक जाते हैं और पलट के देखते हैं, तो श्री जी पर्दा फिर बंद कर देते हैं। तो जैसे गोपियां प्रेम भरी दृष्टि से आपकी ओर निहारते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की ओर देखते हैं, तो एक अर्थ ये है बलराम जी के लिए भी, क्योंकि बलराम के भी कुछ गोपियां हैं। शास्त्र कहते हैं, आप सुने होंगे, जब 2 महीने के लिए बलराम जी द्वारका से वृंदावन आए थे, मधु और माधव, चैत्र और वसंत, इनको मधु और माधव कहते हैं, 2 महीने के लिए बलराम जी ब्रज वृंदावन आए थे, तो उस समय आपके इस रामघाट में यमुना जी को कर्षण किए, नहीं विश्राम नहीं, रामघाट में यमुना कई धाराओं में हो गई, तो क्योंकि वो रास में नहीं आ रही थी, पहचान नहीं पा रही थी, तो कहने का अर्थ है कि बलराम जी के भी अपने जूत हैं,
अपनी ग्रुप है, इसलिए श्याम सुंदर कह रहे हैं जैसे गोपियां आपको प्रेम से निहारती हैं, वैसे ये हरिणियां, ये कोयल मयूर आपकी ओर देखते हैं। एक तो कृष्ण के लिए भी है और ये एक अर्थ बलराम जी के लिए भी है। तो ऐसे ये इन वनवासियों को, वनवासियों के स्वागत को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं और आखिर में कहते हैं कि ये धरणी कितना धन्य है, ये धरती कितना धन्य है कि इस धरती में वृंदावन है और वृंदावन में आप विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। धरती इसलिए धन्य है कि इसको आपने कभी धारण किया था, किस रूप में? शेष रूप में, शेष रूप में धरती को धारण किए हैं। एक और वराह रूप में कृष्ण कह रहे हैं बलराम को, इस धरती को आपने धारण किया था, धारण किए हैं शेष के रूप में अपने सिर के ऊपर, तभी धरती धन्य नहीं हुआ, धन्य नहीं हुई। आपने वराह के रूप में अवतरित होकर धरती को धारण किए थे। बसति दसन शिखरे धरणी तब लग्न शशिन कलंक कले बनिमग्न केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अपने दसनों के दाढ़ कहते ना, दाढ़े, दाढ़ों के ऊपर जब धरती को धारण करके वराह भगवान गर्भ समुद्र से प्रकट हुए, इतना क्लोज, अति निकट संबंध था, मानो धरती को चुंबन कर रहे। लेकिन उस समय भी धरती इतना धन्य नहीं थी। अभी कृष्ण बलराम को कह रहे हैं कि आज अभी इसी समय जब आप ब्रज में गोप वेश में प्रकट हुए हैं, एक गोप बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, अभी धरती धन्य हो गई क्योंकि आपका चरण इस धरती पे हर स्थान में है, हर स्थान में है भगवान का चरण। देखिए एक सुंदर श्लोक जो हमें पहली बार पहले भी बोला था, एक बोल देता हूं, क्या है ये वृंदावन धाम, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है पूरे से 84 कोस ब्रजमंडल में जहां ठाकुर जी नहीं अपना चरण पधारे। अभी देखने के लिए तो हम नंदगांव में जाते हैं तो चरण पहाड़ी, काम्यवन में भी चरण पहाड़ी, लेकिन हर कोने कोने में ठाकुर जी विचरण किए हैं पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसके पत्तों को ठाकुर जी ने अपने कर कमलों से छुआ ना, ऐसा कोई पुष्प फल नहीं है जिसको भगवान ने तोड़ा ना अपने हाथों से। इसलिए इस ब्रजमंडल के बारे में कहते हैं, नतादृक भूभागो या इह हरि पादा जो रही तो, नतादृक वृक्षो हरि काम हरि कर मृद स्पर्श विकल, नवातादृक जंतु हरि सदय भिक्षा विरहित। ऐसा कोई जंतु, ऐसा कोई प्राणी नहीं, चाहे वो बंदर हो, सुअर हो, गाय हो, बछड़ा हो, चींटी हो, पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में जिसको कृष्ण ने अपने प्रेम भरी नेत्रों से निहारे ना, दृष्टि ना डाले हो। इससे आप समझ सकते हैं कि जिसको हमारे प्यारे श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखे हो, हम उनको कैसे पत्थर मार दें, कैसे कष्ट पहुंचाएं। तो हम तो बाहर से आए हैं ना, लेकिन ये तो ब्रजवासी है ना। तदेते संभाग्यम युगपत उपलब्धम कथमहो, ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसने पूर्व जन्म में करोड़ों जन्म बहुत पुण्य किए हो, कई करोड़ों पुण्य इकट्ठा हुआ हो, तब इसको सौभाग्य उदय होता है कि ब्रजमंडल में आता है, वृंदावन धाम में आता है, चाहे वो दर्शन के लिए हो या वास के लिए हो, चाहे कुछ दिन के लिए हो, महीनों के लिए हो या वास के लिए हो, ये किसी
साधारण कर्म का फल नहीं है। सुन के कान खोल के सुन लीजिए और नोट कर लीजिए शास्त्र की वाक्य हम कह रहे हैं। पूर्व जन्म में की हुई अनंत कोटि पुण्य का फल जब उदय होता है उस प्राणी को इस ब्रजमंडल में वास मिलता है, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। मुंबई चला जाएगा, पुणे चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, आगरा चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, लेकिन ब्रज वास नहीं होगा। इस यहां वास करने के लिए उतना सुकृति चाहिए, उतना पुण्य चाहिए, उसके लिए इकट्ठा करना पड़ता है। तो यही कह रहे हैं कि इस पूरे ब्रजमंडल में सभी स्थानों पर ठाकुर जी विचरण किए हैं, सभी पत्तों को छुए हैं और सभी वृक्षों को स्पर्श किए हैं, सभी सरोवर में मुंह लगा के पानी पिए, हाथ से नहीं, अपने जो अधर अपने अधरामृत को मानसी गंगा में, यमुना में, इत्यादि सरोवरों में मुंह लगा के पानी पिए। तो ये सब चरणामृत है, उनका अधरामृत है। तो ये और धूल के बारे में क्या कहा जाए कि जहां ब्रह्मा इंद्र चंद्र शिव शंकर आदि देवता इस धूल को प्राप्त करने के लिए लौटते हैं, लौटते हैं, समझते हैं ना, ब्रज में धूल में लौटते हैं। ऐसा ये पवित्र भूमि है, ये रज है। हमारे पूज्य राधना स्वामी महाराज के साथ हम यात्रा में आते थे तो महाराज कहते थे, पहले अंग्रेजी में कह देता हूं फिर हिंदी में अनुवाद करता हूं, एवरी ईच एंड एवरी डस्ट ऑफ श्री वृंदावन धाम कैन बी कंपेयर विद मिलियंस ऑफ वेल्थ ऑफ एंटायर वैकुंठ प्लैनेट। ब्रज वृंदावन के एक एक धूल कणा वैकुंठ के सारे संपदाओं को एक तरफ कर दे, लेकिन ब्रज के एक धूल कण से उसको तुलना नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि हर एक जहां रज जो रग रग में श्री किशोरी जी और ठाकुर जी नित्य विराजमान है। ऐसा कौन सा पौधा नहीं है इस ब्रज वृंदावन में जिसको प्रियाजू किशोरी जू और ठाकुर जी अपने हाथों से रोपे नहीं, सिंचन नहीं किए हो और विवाह नहीं कराए। ऐसे सभी वृक्षों को अपने हाथों से, इसलिए यहां जो भी सेवा होता है हम चाहे तन से करें, धन से करें, मन से करें, शरीर से करें, किसी माध्यम से भी करें, वो डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा है। इतना समझ लीजिए, हमें दिखने में लगता है कि आप पेड़ पौधे लगा रहे, कौन सी सेवा है। आज पूज्य श्री बाबा की कृपा से, रमेश बाबा जी की कृपा से आज हम काम्यवन के पहाड़ को देख पाते, नंदगांव को पहाड़, चरण पहाड़ी देख पाते, नहीं तो नष्ट हो जाते सब साधु संत मिलके। तो ये भी सेवा है। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि ब्रज वृंदावन में तृण, ये धरणी धन्य है, तृण लता दूब घास ये सब धन्य है, क्योंकि इनका जन्म ब्रज में हुआ है और ब्रज में नित्य वास कर रहे हैं। और कह रहे हैं नदी पर्वत पक्षी मृग सभी दिखाते हुए, जब भगवान कह रहे हैं बलराम को, देखिए भैया ये वृक्ष, तो वृक्ष को स्पर्श कर रहे हैं, देखिए दाऊ ये पत्ते, तो पत्ते को स्पर्श कर रहे हैं, देखिए दाऊ ये फूल, फूल को अपने करकमलों से तोड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नदी, जब भगवान नदी को दिखाते हैं तो कौन से नदी है बताओ, यमुना। ये नदी कितना धन्य है, क्योंकि यमुना हमेशा ठाकुर जी के चरणों को प्रक्षालन करके ही बहती है। जब भागवत में इसी स्कंद में इसी प्रसंग में वर्णन ये गिरी ये पर्वत, तो किसको दिखाते हैं, गिरिराज गोवर्धन को। हंताय मद्रियवला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगो गणयस्तयोर्यत् पानीय सूयव सकंदर कंद मूले। ये गिरिराज पर्वत कितना धन्य है जिनके शिलाओं पर राम कृष्ण अपने सखाओं के साथ गाय बछड़ों के साथ चलते हैं, और
इसी गिरिराज पर्वत में नदी झरना है, झरना वास्तव में मानसी गंगा ऐसे बहती थी, अभी तो इतना छोटा हो गया है, पूर्व काल में ऐसे बहते थे, कई झरना प्रकट होते थे। तो गिरिराज गोवर्धन पांचों रस में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हमारे इस्कॉन के एक सन्यासी हिजोल ने गिरिराज स्वामी महाराज एक सुंदर प्रवचन में कहते हैं, गिरिराज गोवर्धन पांचों रस में ठाकुर जी की सेवा करते हैं, शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य सभी लोग साक्षात हरिदास वरियो है, हरिदास में श्रेष्ठ है और स्वयं हरि भी है। तो ये इसको दिखाते हुए, इस सब को दिखाते हुए ब्रज वृंदावन में रह रह के ठाकुर जी कहते हैं, ये सब पशु पक्षी प्राणी वृक्ष लता आपको देखो 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 भैया आपकी ओर ऐसे निहारते हैं जैसे गोपियां निहारते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? हरि सूर्य जी टीका में कहते हैं, जिसका जिससे प्रेम है अवश्य अवस्था में उसकी याद आ ही जाती है। आई बात समझ में? भगवान का मन हमेशा गोपियों में था और गोपियों का मन हमेशा श्याम सुंदर में था, इसलिए किसी को भी देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी प्राणी को देखते हैं, मृग को देखते हैं, उसके नयन को देखते हैं तो मृग नयन ही याद आ जाती है, श्री जी याद आ जाते हैं और सभी ललिता विशाखा आदि गोपियां याद आ जाती है, इसलिए वो रोक नहीं पाते हैं। ये तो आचार्य गण हमें अपने टीका से भाव प्रकट होते हैं तब हमें पता चलता है कि भगवान बार बार कहते क्यों कहते हैं, देखो देखो हरिणिया कैसे देख रहे हैं, मोर कैसे देख रहे हैं, कोकिल कैसे देख रहे हैं, जैसे गोपियां आपको देख रहे हैं, अर्थात गोपियां हमें देख रहे हैं, उनको बहुत याद आती है। और श्री जी भी गोपियों का मन भी हमेशा तामन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देखा, मेरा मन नहीं, महाप्रभु श्री चैतन्य कहते हैं अन्य हृदय मन। मन किसको कहते हैं? मन का डेफिनेशन बताओ। जो हृदय है वो मन है, अन्य का जो हृदय है वो दिल है, वो उनका मन है, लेकिन मोर मन वृंदावन, मेरा मन जो है वृंदावन है, महाप्रभु ऐसे कहते हैं क्योंकि राधा भाव में है। इसलिए यहां बलराम जी को दिखाते हुए ठाकुर जी व्याज से कहते ना, व्याज से अपनी ही स्तुति कर रहे हैं। तो आगे हम सुनेंगे कल कि कल पवित्र गोपाष्टमी का दिन है और गोपाष्टमी में श्री जी का एक बहुत सुंदर वेश होता है जिसको गोप वेश कहते हैं, सुबल सखा वेश। आप लोग मुझे स्मरण दिलाइए, आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई, कौन सी लीला हुई कि श्री जी को ये वेश धारण करना पड़ा जिसके वजह से वो गोप वेश धारण करते हैं तो स्वाभाविक उनके चरण दर्शन हो जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे और कृष्ण बलराम कैसे वन में जब प्रवेश किए तो और कौन सी क्रीड़ाएं किए इसको भी हम श्रवण करेंगे। और हमारे कवि कर्णपुर श्री आनंद वृंदावन चंपू लिखे हैं, अजीव गोस्वामी गोपाल चंपू लिखे हैं, इन ग्रंथों के सहायता से देखिए सुखदेव गोस्वामी के पास केवल 7 दिन था, वो कितना वर्णन कर पाते। अरे औरों की बात छोड़िए, पूरे समग्र भागवत में राधा का नाम ही नहीं है। अगर वो राधा का नाम ले लेते तो समाधि लग जाती, तो उनको कथा पूरा करना था ना, महाराज परिचित उद्धार कैसे होते। फिर भी इनडायरेक्टली अनया राधितो नूनो कह के उन्होंने राधा का नाम ले ही लिया, लेकिन गोस्वामियों के ग्रंथों से हमें पता चलता है कि ये जो पूरे समग्र ब्रजमंडल में क्या क्या लीलाएं हुई, कैसे भाव था, चाहे वो सखाओं का, सखियों का, वात्सल्य भाव, साक्ष्य दास्य सभी भावों का। लेकिन यहाँ ये चिंतामणि धाम है, इस धाम को प्रकट करके महापुरुष श्री चैतन्य कहते हैं कि मैं इस धरती पे नाम संकीर्तन के द्वारा 4 भाव देने आया हूं और इस 4 भाव से समग्र जगत को डुबा दूंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। क्या पहले नाम संकीर्तन था? महाप्रभु से पहले भी था, नाम तो सर्वत्र हमेशा विद्यमान। क्या विशेषता है गौरांग महाप्रभु में? गौरांग महाप्रभु राधा भाव में आके उसी नाम संकीर्तन को स्वयं अपने मुख से जिह्वा से उच्चारण करके समग्र जगत को प्रचार प्रसार किए। जिस नाम को लेते ही
हम तुच्छ कलयुग के बैक बेंचर्स जो 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 स्कूल में कभी पास नहीं हो पाते, जिनको अपना क्लास बहुत अच्छा लगता है, समझ गए ना? तो ऐसे कलयुग के लोग हैं जो हम कभी उधार नहीं हो पाएंगे, उनके लिए बस एक ही सहारा है, गौरांग महाप्रभु एक सहारा है जिनके नाम लेके हम कलयुग से उद्धार हो सकते हैं। तो आइए हम हिज ग्रेस श्याम बलराम प्रभु से श्रवण करेंगे दामोदर आरती। हरे कृष्ण।